अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। मैं मेहताब और आप देख रहे हैं नर्सरी प्लांट्स इन्फो। अगर आप अगरूट प्लांट के बारे में या अगरूट खेती के बारे में अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ये वीडियो आपके लिए है। पूरा वीडियो वॉच करना, इतना इंपॉर्टेंट मैंने टॉपिक इधर कवर किया है, और आप वीडियो पूरा वॉच करना, बहुत ही अच्छा जानकारी मिलेगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। देखा होगा पिछले एक या उससे ज्यादा, मतलब एक साल से थोड़ा ज्यादा होगा शायद, मैंने वीडियो बनाया था इनोकुलेशन का। तो इनोकुलेशन का जो वीडियो बनाया था भाई, क्या बताओ, मतलब मैंने मेरा एक पेड़, खुद का पेड़ काट के मतलब देखा है भाई, क्या मतलब इतना अच्छा क्वालिटी आया, इतना अच्छा क्वालिटी आया, क्या बताओ। मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, मतलब पूरा उसका क्वालिटी दिखाता हूँ। पहले तो मैं भी कन्फ्यूज़ था कि भाई ये मेडिसिन में काम होता है कि नहीं, ठीक है, मैं भी कंफ्यूज था। तो अभी मैं पूरा श्योर हो चुका हूँ, अगर आपका पेड़ है, आप अगर इनोकुलेशन वगैरह करते हो तो उसमें सक्सेस है, ठीक है, उसमें अनसक्सेस का कोई बात ही नहीं है। और आप ये बहुत सारे लोगों को, हमारे आसाम की बात करें तो बहुत सारे अपर आसाम छोड़ के लोअर आसाम और मिडिल आसाम का जो लोग है वो अगरोट का पेड़ लगाते नहीं थे पहले, क्योंकि उसका जो माल होता है वो नेचुरली हमारे जगह में आता नहीं है, ठीक है, वो अपर आसाम में नेचुरली आ जाता है, लेकिन हमारे यहाँ नेचुरली नहीं आता है। मैं जो अभी ये मतलब प्लांट दिखा रहा हूँ उससे अच्छा क्वालिटी का प्लांट है मेरे पास फिलहाल। मेरे पास तो बात कर रहा था नेचुरल और इनोकुलेशन। हाँ, जो नेचुरल होता था वो हमारे लोअर आसाम और मिडिल आसाम में नहीं आता है, ठीक है, इसके लिए बहुत सारे लोग डर रहे थे। अभी जो है कुछ सालों से, तीन तीन या चार साल होगा, कुछ सालों से हमारे यहाँ मेडिसिन का जो प्लांट है, सॉरी, मेडिसिन जो एक निकला हुआ है वो, उसमें सक्सेस करके लोग ऑलरेडी पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, ऑलरेडी पैसा कमा रहे हैं। तो वो जो डर था अभी मेरे ख्याल से वो आपको निकल देना चाहिए, क्योंकि अगरवुड का पेड़ आपको दोबारा लगाना चाहिए, क्योंकि उसमें एक मेडिसिन दे के पूरा सक्सेस है, मेडिसिन लगा के पूरा सक्सेस है, उसमें कोई कन्फ्यूज़ नहीं है, कोई आपको डाउट। मैं खुद कन्फ्यूज़ था कि ये काम करता है कि नहीं ये मेडिसिन, तो मैंने खुद का पेड़ पे अप्लाई किया, तो मैंने रिजल्ट देखा तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बहुत ही अच्छे कलर का माल आ चुका है। वो माल भी मैं दिखाऊंगा, वीडियो के अंत तक बनी रही है। मेरा जो खुद का पेड़ में निकला हुआ है वो क्वालिटी, क्या क्वालिटी का माल निकला है, मैं वो भी दिखाऊंगा, वीडियो के अंत तक बन रही है। वैसे तो मैं नर्सरी का प्लांट सेल करता हूँ, अगर चाहिए तो। क्वालिटी आता है तो उसमें अगरवुड में क्या होता है, फिक्स प्राइस नहीं है, वो क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका क्वालिटी, उसका माल का क्वालिटी, कलर कैसा है, उसका क्वालिटी के ऊपर प्राइस डिपेंड होता है। और ऑलरेडी बहुत सारे लोगों के पास वो है, तो मैं आपको उनको सजेस्ट करूंगा कि भाई आप इनोकुलेशन कीजिए, इनोकुलेशन में ऑलरेडी सक्सेस है, ठीक है, ऑलरेडी सक्सेस है, कुछ 1000 या 1200 रुपये एक पौधे में जाएगा, ऐसा अप्रॉक्सीमेटली आपके पौधे के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब पेड़ के ऊपर डिपेंड करता है कि पेड़ कितना बड़ा है, कितना वो उसका साइज में कितना बड़ा है, हाइट कितना बड़ा है, तो उसमें डिपेंड करेगा कि आपका कितना मेडिसिन लगेगा, ठीक है। ये तो बात हो गया मेडिसिन का। और मैं आपको बता दूं कि ये अगरोड़ का पेड़ बहुत सारे लोगों ने, मतलब यहाँ पर असम छोड़ के जैसे महाराष्ट्र हो गया, दिल्ली हो गया, कर्नाटका हो गया, आपका आंध्र प्रदेश हो गया, ये सब जगह में बहुत ज़्यादा लोग कर रहे हैं, ठीक है, तो वो लोगों का अलग सोच है, उसमें से ऑलरेडी पैसा कमा रहे हैं पत्ते से। ये पत्ता हमारे यहाँ यूज़ नहीं है, लेकिन वो लोग क्या कर रहे हैं, पत्ते से पैसा कमा रहे हैं, पत्ता मेडिसिन बना रहे हैं, ग्रीन टी बना रहे हैं, अलग अलग यूज निकल रहे हैं। तो आपको डरने का जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी अगरूट का अलग अलग यूज निकल रहा है, अलग अलग मतलब डिमांड, जितना यूज निकलेगा उतना ही डिमांड बढ़ेगा, उतना ही प्राइस ज्यादा होगा उसका। और हमारे आसाम में इंटरनेशनल मार्केट हो रहा है, ऑलरेडी आसाम गवर्नमेंट ने उसको अलाउ कर दिया, मतलब काट सकते हो, लगा सकते हो, उसका खेती कर सकते हो, मतलब इलीगल लीगलाइज कर दिया उसको, पहले तो इलीगल था लेकिन अभी लीगलाइज कर दिया, कुछ 7 साल हो चुका है शायद। तो ऑल ओवर इंडिया से आप ऑर्डर कर सकते हो प्लांट का, तो प्लांट आप बिंदास होके लगाइए, मैं आपको यही बताऊंगा कि आप बिंदास होके लगाइए, क्योंकि 8 साल या 9 साल के बाद इसमें इनोकुलेशन वगैरह करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। अगर आप आउट ऑफ आसाम से हो तो आपको मैं ये बोलूँगा कि आप उसमें से पैसा उससे पहले भी कमा सकते हो, 4 साल 5 साल के बाद से आपको पैसा कमाना स्टार्ट हो जाएगा, और ये कमाना जो है ये कुछ ही सालों तक चलेगा, क्योंकि हर जगह में जब अवेलेबल हो जाएगा तो आपको मैं इस ये जो मेथड है, मतलब उसका सीड्स
उसका सीड्स आप सेल करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो, क्योंकि इसका सीड्स जो है पर केजी आपका, हम खुद सेल करते हैं उसका पर केजी 10,000 से लेके 20,000 तक, मतलब टाइम देख के, जब शॉर्टेज रहता है, जब कोई कॉल क्वांटिटी कम ले रहा है, जब मतलब तो उसमें टाइम देख के आपका 10,000 से लेके 20,000 तक पर केजी जाता है, ठीक है, पर केजी। तो उसमें आप ये बता सकते हो हमें, आप अच्छा खासा उसमें भी पैसा कमा सकते हो। तो जो आपका पैसा खर्च हुआ है उसमें से आप ये मतलब 4-5 सालों में ये आप निकाल सकते हो ऑटोमेटिकली, आपको पैसा उसी पैसे में से उसमें ही डालने के लिए आपका रेडी हो जाएगा। तो आपको डरने का कोई ज़रूरत नहीं कि भाई एक्स्ट्रा 2,000 1,000 करके फिर मुझे 8 साल के बाद इसमें लगाना होगा। तो वो अपने आप से जो पैसा होगा वो अपना खुद तैयार कर लेगा, वो आपको दे देगा वो पैसा, आउट ऑफ आसाम से हो तो, क्योंकि आसाम में सीड्स और प्लांट हर जगह अवेलेबल रह जाता है। तो इसके लिए आसाम में सीड्स फिर भी सेल होता है, ऐसा नहीं है सेल नहीं होता है, सेल होता है लेकिन आउट ऑफ आसाम में ज़्यादा होता है, ठीक है। जैसे साउथ अफ्रीका से, मैंने इस साल साउथ अफ्रीका में सेल किया, दुबई में किया, और बहुत सारा मतलब आउट ऑफ इंडिया भी किया, ठीक है, आउट ऑफ इंडिया जैसे, और इंडिया के अंदर तो बहुत सारा जगह में दिया। और इसमें इसके लिए सीड सेल कर सकते हो, हम उसमें काम कर सकते हैं क्योंकि लोकल में ये चलेगा। क्योंकि इसमें बात एक है कि इसका जो सीड्स का वैलिडिटी रहता है वो बहुत ही कम रहता है, 3 से 4 दिन रहता है, उसके बाद वो सीड्स ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए ये आपका अपॉर्चुनिटी रहेगा कि आप लोकल में सेल कर सकते हो, क्योंकि वो बाहर से अगर कोई भी लेगा तो वो सीड्स जाते जाते ख़राब हो जाता है, जाते जाते बहुत मतलब ख़राब हो जाता है। अगर कोई डायरेक्ट आके लेके सीधा चला जाता है तो वो उसका सक्सेस हो जाता है, बाई चांस उसको 4 दिन में मिल जाता है, 3 दिन में अगर कुरियर्स के थ्रू मिल जाता है वो सक्सेस हो जाता है, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छा लगा, और मैं आपको वो वीडियो भी दिखाता हूँ कि कितना अच्छा मतलब उसमें क्या क्वालिटी का माल निकला है, किस कलर का है, मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये देखो इसमें कलर देख सकते हो, ठीक है। मैंने 2-3 टुकड़ा ही निकला हुआ है निकाला, क्योंकि मुझे जल्दी था कि भाई कैसा कलर आ रहा है वो देख लूँ पहले, बाद में पूरा का निकालेंगे। तो आप देख सकते हो उसका कलर देख सकते हो, ये जो कलर पे पूरा मैटर करता है कलर, तो उसका क्वालिटी कैसा है ये देखो। ये सिर्फ आपका मान के चलो ऐसे 15 महीना ही मान के चलो, ठीक है, एग्जैक्ट तारीख देखेंगे तो पता चलेगा। आप देख सकते हो 15 महीने का अगर ऐसा है तो हम उसमें 3 साल आपको रखना पड़ता है, ठीक है, 3 साल के बाद उसको काटना पड़ता है। मुझे जल्दबाजी बहुत ज़्यादा था कि भाई मैं पहले काट के देख लेता हूँ, रिजल्ट देख लेता हूँ, उसके बाद लोगों को भी पूरा मतलब मैं भी स्ट्रांग होकर सजेस्ट कर सकता हूँ भाई हाँ लगाओ या ना लगाओ, ठीक है। ये देखिए उसका कलर देखिए, सिर्फ एक का नहीं दूसरे का भी देखिए, ये देखिए, सॉरी देखिए पूरा काला है, मतलब पूरा ब्लैक है, ये देखो ये पूरा निकलेगा, पूरा ब्लैक हो जाएगा, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा शायद ये ऐसे कैसे निकला हुआ है, लेकिन ऐसे काम करना पड़ता है, क्योंकि ये पूरा एक बार में निकालेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पूरा बहुत ज़्यादा में से निकालना पड़ता है, ठीक है। पहले इस तरह का रखते हैं और उसके बाद पूरा ये जो ब्लैक हिस्सा देख रहा है पूरा ऐसे ब्लैक हिस्सा हो जाएगा, पूरा ये पूरा जो बॉडी है पूरा ब्लैक हो जाएगा, क्योंकि उसको रिमूव कर देंगे, ये वाइट हिस्से को रिमूव कर देंगे। पहले ऐसे रख के थोड़ा 1-2 दिन सुखाने के लिए देते हैं, सूखने के लिए, क्योंकि उसका जो एक ऑयल टाइप का होता है वो बैठने के लिए, कलर जो है कलर बैठने के लिए उसको टाइम देना ही पड़ता है। मैं आपको ये बाहर ला के दिखा रहा हूँ क्योंकि पूरा आपको क्लियर दिखेगा, ठीक है। और भी पूरा पेड़ पड़ा हुआ है, पूरा पेड़ पड़ा हुआ है, मैं वो आपको बाद में अगर हो सकता है तो दिखाऊंगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।